अभी तक हमने जो पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है ट्रायंगल लॉ का वो है पॉलीगन लॉ, क्योंकि ट्रायंगल लॉ में क्या था, सिर्फ टू फोर्स सिस्टम था, बट पॉलीगन लॉ में ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। यहाँ पे थ्री फोर्स सिस्टम या फोर फोर्स सिस्टम या फाइव फोर्स सिस्टम या एन नंबर ऑफ फोर्स सिस्टम हो सकता है, सिंपल। बट आप देखोगे तो ट्रायंगल जो लॉ है उसी का एक्सटेंशन क्या है, पॉलीगन लॉ। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो जैसे ट्रायंगल लॉ में हमने क्या बोलता है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सेम इसमें भी वही केस है कि इसमें क्या होगा, जो भी फोर्सेस होंगे वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, पॉलीगन की साइड, बट टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन है जैसे हमारी ट्रायंगल लॉ की थी। तो डायरेक्टली अगर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का ही एक एक्सटेंशन है, सिंपल, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इफ अ नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, क्योंकि कंकरेंट फोर्स सिस्टम है तो पार्टिकल की बात हो रही है, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड्स ऑफ पॉलीगन, जैसे ट्राइंगल में ट्राइंगल की साइड रिप्रेजेंट कर रही थी फोर्स को, यहाँ पे पॉलीगन की साइड रिप्रेजेंट करेगी फोर्स को इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल, बट कंडीशन क्या है, टेकन इन ऑर्डर। वही टेकन इन ऑर्डर का मतलब हेड टू टेल कनेक्शन होगा, ठीक है। जैसे हेड है आपका फर्स्ट फोर्स का, तो उसके साथ जो सेकंड फोर्स कनेक्ट होगा तो सेकंड फोर्स का टेल कनेक्ट होगा फर्स्ट वाले फोर्स के हेड के साथ, ठीक है, वो हम अभी फिर दोबारा भी इसमें समझेंगे। फिर देन रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट करेगा, क्लोजिंग साइड। पॉलीगन लॉ में क्या, साइड्स ऑफ पॉलीगन होगी, लेकिन जो लास्ट की जो साइड होगी क्लोजिंग वाली, वो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट। फिर अगेन किस ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में, ऐसा जैसे हमने ट्राइंगल लॉ में पढ़ा था, सेम एग्जैक्टली सिमिलर है पॉलीगन लॉ भी, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। सपोज ये F1 फोर्स लग रहा है कोई, ठीक है, ये F3 फोर्स लग रहा है, ठीक है। सपोज ये आपका इसमें लगा इस तरीके से F4, F2, F1, F2, F3, फिर देन इसमें लगा ये ऐसे डाउनवर्ड फोर्स F4। तो ये सपोज ये कोई फोर्स सिस्टम ऐसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है, हमें इसको बेसिकली ड्रॉ करना पड़ेगा, तो करेंगे कैसे सॉल्व, सिंपली आपने फोर्स F1 लिया, ठीक है, सेम ऐसे लिया आपने, कोई वही एक स्केल अज्यूम करा, उसी स्केल के अकॉर्डिंग क्या करना है, F1 को ड्रॉ करना है, सिंपल। अब F1 के बाद F2 को ड्रॉ करेंगे, अब F2 की डायरेक्शन ऐसे है, तो एज इट इज इसको पैरेलली लेकर जाके यहाँ पे रख देंगे, सिंपल। F2 ऐसे सेम ऐसे पैरेलली इसे ऐसे फॉरवर्ड करा, तो ये आपका F2 ड्रॉ हो गया, ठीक है, सिंपल। अब F2 तो ऐसे था, बट F3 कैसे, ऐसे, तो ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, ठीक है। इसका जो लेंथ है, जो हम ग्राफिकली बनाएंगे, लेंथ किस पर डिपेंड करेगा, इनके मैग्नीट्यूड्स पे, ठीक है। बट डायरेक्शन जो इस जैसे ऐसे दिए वैसे ऐसे बनाएंगे, जैसे F1 के लिए ये दिया है तो F1 ऐसे बना, F2 ऐसे दिया है तो F2 ऐसे बना, F3 ऐसे दिया था तो F3 बिल्कुल एज इट इज हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब F4 क्या है, बिल्कुल हमें परपेंडिकुलर ऐसे दे दिया डाउनवर्ड, ठीक है, F4 ड्रॉ हो गया। अब होगा क्या, देखो ये तो हमारा यहाँ तक हो गया F3, ठीक है। अब क्या बोला था, ये तो हमने साइड्स ऑफ अ पॉलीगन ड्रॉ कर दिया, अब क्लोजिंग साइड जो होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट। अब क्लोजिंग साइड कौन सी है, ये वाली होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग साइड, ठीक है, ये क्लोजिंग साइड हो गया, बट इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है, अपोजिट ऑर्डर। तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा, रिजल्टेंट। तो ये बेसिकली ये तरीका है, ग्राफिकल मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली ग्राफिकल तरीका है, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था जो क्लोजिंग साइड होती है ट्रायंगल की, वैसे ही पॉलीगन की क्लोजिंग साइड के रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट को। तो ये तो ग्राफिकल तरीका हो गया, ठीक है। अब पॉलीगन लॉ का ये अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इससे पहले हमने जो पढ़ा था टू फोर सिस्टम, थ्री फोर सिस्टम, एक जो फेमस थ्योरम है लामिस थ्योरम, अब उस हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि लामिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वही पूछा जाता है क्वेश्चंस, क्योंकि कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें ज़्यादा फोर्सेस इन्वॉल्व ही नहीं होते, मैक्सिमम 3 या 4 ऐसे इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं इसमें लामिस थ्योरम, अब लामिस थ्योरम पढ़ रहे तो उसमें ध्यान रखना वो थ्री फोर सिस्टम के लिए, ठीक है, थ्री फोर्स सिस्टम, ठीक है, थ्री फोर सिस्टम के लिए पढ़ रहे, तो थ्री फोर सिस्टम के लिए अप्लीकेबल कौन सा है, लामिस थ्योरम,
ठीक है, लामीज थ्योरम, ठीक है, ये लामीज थ्योरम हमें ध्यान रखना है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मैकेनिक्स में स्टैटिक्स वाले ना लामीज थ्योरम से ही सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्टली. ठीक है, अब देखो लामीज थ्योरम होता क्या है. जनरली दिक्कत पता क्या होती है कि लामीज थ्योरम में आपको फॉर्मूला तो सबको याद है कि एफ अपॉन साइन अल्फा ऐसे करके कुछ होते रेशियोज. ठीक है, वो फॉर्मूला डायरेक्टली याद होता है, बट वो फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होगा, उसकी कंडीशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है. वही कई बार आप मिस कर जाते हो और वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता है. ठीक है, तो लामीज थ्योरम हम देखते हैं. देखो सपोज अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तीन, ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ इसे, F1, F2, F3. ठीक है, F1, F2, F3, ये हो गया फोर्स. अब F1, F2 हो गया, सपोज इसके अपोजिट एंगल मैं इससे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एंगल हो गया हमारे पास अल्फा. ठीक है, ये एंगल अल्फा हो गया हमारे पास. F2 के अपोजिट जो एंगल होगा वो बीटा होगा. ठीक है, एंड F3 के अपोजिट गामा, ये नाम हम जनरली दे देते हैं, F2 के अपोजिट बीटा, F3 के अपोजिट गामा. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के लिए फॉर थ्री फोर्स सिस्टम, एंड कौन सा फोर्स सिस्टम है, कंकरेंट, क्योंकि जितने भी हमने मेथड्स जितने भी हमने पढ़े रिजल्टेंट के, वो सिर्फ कंकरेंट के पढ़ रहे हैं अभी, उसके बाद नॉन कंकरेंट वाला हम अलग से पढ़ेंगे, सिंपल. ठीक है, तो लामीज थ्योरम में क्या है, थ्री फोर्स हैं और क्या है, साथ साथ कंकरेंट भी. अब देखो इसमें जो फॉर्मूला होता है बेसिकली निकालने का, वो हमारा क्या होता है, देखो F1 अपॉन साइन अल्फा, साइन अल्फा, देखो फोर्स F1, ये F1 के अपोजिट एंगल अल्फा, F2 के अपोजिट बीटा, एंड F3 के अपोजिट गामा, सेम. तो आपको क्या सिर्फ रेशियो लेना है, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा. ठीक है, तो F1 अपॉन साइन अल्फा लिख लिया, नेक्स्ट होगा F2 अपॉन साइन बीटा, एंड F3 अपॉन साइन गामा. ठीक है, ये काम हो गया. तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला आ गया है. तो ये फॉर्मूला तो हमें क्या डायरेक्टली याद होना चाहिए. ठीक है, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए. अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंडीशन हमें याद है, लामीज थ्योरम ये होता है, लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये होता है, बट ये अप्लाई कब करोगे तो उसके लिए क्या है, कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर कंडीशंस याद नहीं है तो आप फिर फायदा नहीं इसको याद करने का, फॉर्मूले का. तो कंडीशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए. तो सबसे पहली कंडीशन की बात करूँ तो क्या है, बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए. ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है कि जो भी फोर्सेस हैं, कितने फोर्सेस हैं, जो भी मतलब क्या, 1, 2, 3, तीन फोर्स सिस्टम होना चाहिए और साथ साथ वो कोप्लेनर एंड कंकरेंट होना चाहिए. थ्री फोर्स सिस्टम एंड इट शुड बी कोप्लेनर एंड कंकरेंट. ठीक है, एंड इट शुड बी कोप्लेनर एंड कंकरेंट. तो बेसिकली ये लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये अगर कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल या कोई बॉडी है जिसमें तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है, बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम. सेकंड, बॉडी में क्या होना चाहिए, जो फोर्स लग रहे हो थ्री फोर्स सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, थ्री फोर्स सिस्टम एंड वो भी कौन सा, कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्स सिस्टम होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, एंड लामीज थ्योरम में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो डायरेक्टली पूछा जाता है कि अगर कोई बॉडी है सब्जेक्टेड टू थ्री फोर्स, अगर बॉडी सब्जेक्टेड टू थ्री फोर्स है, सिंपली कि बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो एक पॉइंट डेफिनेट है कि वो हमेशा कंकरेंट होंगे फोर्सेस. ठीक है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ओनली थ्री फोर्सेस देन ऑल द थ्री फोर्सेस शुड बी कंकरेंट. ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये नोट पॉइंट आप जरूर याद करना,
जब क्या होगा इसमें, व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, देन व्हेन अ बॉडी इज इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस देन ऑल थ्री फोर्सेस शुड बी कंकरेंट। अब कंकरेंट हो रहा है बट कंडीशन क्या है, कोप्लेनर की बात चल रही है, क्योंकि जितना भी हमने पढ़ना है सब कोप्लेनर पढ़ना है, जितना भी हमारे सिलेबस में सब कोप्लेनर के लिए। तो ये बात हमेशा याद रखना, व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेज देन ऑल द थ्री फोर्सेस मस्ट बी कंकरेंट। एंड ये तो ऑब्वियस ही बात है, हमें पता ही है कि वो कोप्लेनर है ही, ठीक है। जितना भी हम स्टडी कर रहे हैं कोप्लेनर की ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, नॉन कोप्लेनर का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉन कोप्लेनर स्पेस स्टडी हो जाता है, 3D वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें जितना भी स्टडी करना है कोप्लेनर का स्टडी करना है, ठीक है। तो लामिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले के साथ साथ हमें क्या कंडीशंस भी याद होनी चाहिए। कंडीशन सिंपल, वही इक्विलिब्रियम होना चाहिए बॉडी का, दूसरा कोप्लेनर कंकरेंट होना चाहिए। अब यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस तो फोर्सेस क्या होंगे, हमेशा कंकरेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, लामिस थ्योरम भी कंप्लीट। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़ेंगे हम कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस की, ठीक है। ये तो हमने रिजल्टेंट देख लिया, इस तरीके से रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हमें। अब जो नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है बेसिकली रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की जो कंडीशंस होंगी। रिजल्टेंट की कंडीशन बोलने का मतलब क्या कि ये तो रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, बट अब जब इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो रिजल्टेंट जीरो होगा। तो रिजल्टेंट जीरो होगा, बट रिजल्टेंट जीरो आप निकालोगे तो क्या चीज़ें आपको इक्वेशंस का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए जो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।